हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक विद आकाश। मेरा नाम आकाश है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिनी मिलिशिया गेम को कैसे जीते बिना हैक किए। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे आसानी से गेम जीतने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप ये है दोस्तों, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, बट आप सेटिंग्स में जाके आप 2x व्यू मोड को ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2x व्यू में एक वाइडर व्यू मिलता है जिससे आपको गेम खेलने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों दूसरा टिप ये है कि गेम शुरू होते ही सीधा फाइट के लिए ना भागें। फाइट पर जाने से पहले आप मेक श्योर करें कि गन्स आपके पास हैं। जब भी गेम शुरू होता है थोड़े सेकेंड्स के अंदर ही आपके पास कोई ना कोई गन आती ही है। मिनी मिलिशिया के हर राउंड या मैप में अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ गन्स आते रहते हैं। वो पॉइंट्स आप पता कर लें और वहां जाकर गन्स को उठा लें। फ्रेंड्स, मिनी मिलिशिया में आप दो गन साथ में कैरी कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट कॉम्बिनेशन है गन्स का वो है स्नाइपर एंड शॉटगन, एक दूर के लिए और एक नज़दीक के लिए। जब आपका एनिमी दूर हो तो आप स्नाइपर से किल कर सकते हैं और अगर आप पास है तो शॉटगन से। दोनों गन्स की खास बात यह है कि आपको बस एक बार सही निशाने से शूट करना है और आप किल कर पाएंगे अपने एनिमी को। फ्रेंड्स, अगर आप ग्राउंड पे फाइट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप बैठकर गोलियां चलाएं, क्राउच करना जिसे कहते हैं। इससे आपकी हेल्थ बची रहेगी। अगर कोई बम भी आपके तरफ आता भी है तो बैठने से बम का इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। कोई अगर आपकी तरफ बॉम्ब फेंकता है तो आप बचने के लिए पीछे ना जाएं, बल्कि आप आगे की तरफ जाएं। पीछे जाने से आप बॉम्ब की डायरेक्शन में जाएंगे और आप मर सकते हैं। इसलिए आप बॉम्ब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, जिससे क्या होगा, बॉम्ब पीछे चला जाएगा और आप आगे चले जाएंगे और बॉम्ब से आसानी से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, हर गन्स की अलग रेंज होती है, 7x, 6x, 5x, 4x, 3x, 2x, और आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपके पास 7x या 5x वाली गन्स हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने एनिमी को दूर से ही मार दें, नज़दीक ना आने दें। और अगर 2x या 3x वाले गन्स हैं तो एनिमी को नज़दीक से मारें। आप कहीं छिप जाएं, एनिमी को नज़दीक आने दें और उसके बाद फिर आप मारें। और ये भी मेक श्योर करें कि फाइट से पहले आपके पास बूस्ट बचा हो। अगर बूस्ट ख़त्म हो रहा हो तो थोड़ा वेट कर लें कहीं छिप के, और जैसे ही बूस्ट आए आप फाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास बूस्ट है तो फाइट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, अदरवाइज़